इस वीडियो में हम ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट को यूज़ करते हुए रीडिंग मॉड्यूल को समझने की कोशिश करेंगे। हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल की वेबसाइट लगा के लिखना है लर्न इंग्लिश ब्रिटिश काउंसिल, और पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल्स, यहाँ पर हम रीडिंग मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो चूज़ योर लेवल टू प्रैक्टिस योर रीडिंग। आपको अपना लेवल चूज़ करना है, आप बिगनर हैं, आप प्री इंटरमीडिएट हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, अपर इंटरमीडिएट हैं, या एडवांस जिसे C1 कहते हैं। तो अभी तो हम बिगनर्स के लिए बता रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं बिगनर A1। यहाँ पर ये बिगनर A1 की थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ पोस्चर्स दिए गए हैं यानी इश्तहारात दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और उनके MCQs और टास्क करनी है। यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्चर्स हैं, स्टडी से रिलेटेड है, एयरपोर्ट डिपार्चर्स बोर्ड, बिजनेस कार्ड, डिक्शनरी डेफिनेशन, जॉब एडवर्ड्स। आपको कोई भी जो समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उस पर क्लिक कर दें। मैं पहला वाला जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ लिखा आ जाएगा अ पोस्टर एट वर्क, रीड एन इन्विटेशन टू एन ऑफिस इवेंट टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। आपको जो ऑफिस के अंदर बुलाया गया है उसका जो है ना एक शेड्यूल है, वो टाइम टेबल वगैरह आपको पढ़ना है। यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो डू द प्रिपरेशन टास्क फर्स्ट देन रीड द टेक्स्ट एंड डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है उसकी। ये लिखा हुआ प्रिपरेशन, आप प्लस पर क्लिक करें। रीडिंग A1 अ पोस्चर एट वर्क प्रिपरेशन, मैच द टाइम टू द फ्रेजेस, कि कौन सा टाइम जो है इनसे मैच कर रहा है, इस नरेशन से कौन सा टाइम जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है 12 नून, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ये ऐसे आ जाएगा। हाफ पास 2 इन द आफ्टरनून यानी 2:30 PM, क्वार्टर पास 9 इन द मॉर्निंग यानी कि 9:15 AM, 5 to 4 इन द आफ्टरनून, 7:45 इन द इवनिंग, 7:45 PM, 20 to 2 इन द मॉर्निंग, 25 पास इन द इवनिंग, 1:30 PM। ये सारे जब हमने फिल कर लेने हैं तो फिनिश पर क्लिक करना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। एक फीडबैक का मैसेज आएगा आपके पास, टोटल स्कोर इज 8 out of 8, 100%, यानी कि हमारी ये जो सारे थे टाइमिंग ये सारी दुरुस्त थी हमारी। उसके बाद इस सेगमेंट को हम मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पर टाइम टू रिलैक्स लिखा हुआ है, रीडिंग टैक्स यानी कि अब आपने टैक्स को जो है बहुत अच्छे से रीड करना है। ये सारा टैक्स आपने बहुत अच्छे से 2-4 बार रीड कर लेना है और इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपसे कुछ टास्क पूछे जाएंगे। कम एंड ज्वाइन आर लंच टाइम योगा क्लास विद एक्सपीरियंस योगा टीचर दिव्या ब्रिज। अब यहाँ पर की पॉइंट जो है वो दिव्या ब्रिज है, ठीक है। वैन एवरी ट्यूजडे एट 1:30 PM, ट्यूजडे यहाँ पर की पॉइंट है और 1:30 PM ये लंच का टाइम है, दोपहर का लंच का टाइम है। वेयर कहाँ पर होता है ये, मीटिंग रूम 7, मीटिंग रूम नंबर 7 के अंदर जो है ये योगा होता है। हाउ मच, इसकी कॉस्ट कितनी है, £10 है फॉर 30 मिनट्स क्लासेस, ठीक है, 30 मिनट्स क्लासेस। तो ये भी आपके पास जो है ये कीवर्ड है, ये आप अच्छे से याद कर लें। व्हाट टू ब्रिंग, आपको लाना क्या है, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, ये की पॉइंट है। दिव्या विल प्रोवाइड यू योगा मैट्स यानी वो मैट्स जो है वो आपको देंगी, आपको कंफर्टेबल सिर्फ क्लॉथ लाने हैं और मैट्स वो खुद देंगी। हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट टू sam@samholden@example.com, इस पर आपको ईमेल करना है, ये भी की पॉइंट है कि आपको ईमेल करना है, कॉल या मैसेज नहीं करना। वी कैन ओनली टेक अ मिनिमम ऑफ 20 रूम सो बुक नाउ, इनके पास रूम कम है, मिनिमम 20 हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द बुक कर लें। अब हम टास्क 1 की तरफ चलते हैं, इस प्लस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग A1 अ पोस्चर एट वर्क 1, पुट द आंसर्स टू द क्वेश्चन इन द गैप्स, आपको गैप्स फिलअप करने हैं।
विच ऑफ द डे डज द योगा क्लास टेक प्लेस? ट्यूसडे को होती है योगा क्लास। हाउ मैनी क्लासेस कैन यू टेक फॉर 10 pounds? फोर क्लासेस। व्हाट टाइम विल द क्लास एंड? 2 PM। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ यू नीड टू वेयर क्लास टू द क्लास? डैश क्लॉथ, कंफर्टेबल क्लॉथ्स। व्हाट डू यू नीड टू सेंड टू सैम इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन? एन ई मेल। वैन यू शुड बुक इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन? नाउ। फिनिश पर क्लिक करेंगे, फीडबैक का मैसेज आएगा, टोटल स्कोर इज 6 out of 600%। ये भी हमारा हो गया, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब टास्क टू की तरफ चलते हैं। रीडिंग ए वन अ पोस्चर एट वर्क, टू डिसाइड इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सैम होल्डन इज द योगा टीचर। दिव्या थी दिव्या ब्रिज, तो ये फॉल्स आएगा। द योगा क्लास इज वंस एट अ वीक, ट्यूजडे को होती है एवरी ट्यूजडे, तो वंस इन अ वीक थी। द क्लास इज एट लंच टाइम इन द रूम 7, ट्रू है ये। यू नीड टू ब्रिंग योगा मैट्स टू द क्लास, आपको कंफर्टेबल क्लॉथ्स लाने थे, मैट्स वो खुद देंगी। द क्लास कांट टेक 22 पीपल, 20 पीपल वो जो है वो अफोर्ड कर सकते थे। यू नीड टू कॉल सैम होल्डन इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास। फॉल्स, कॉल का नहीं बोला था, उसने बोला था ईमेल करने का। फिनिश पर क्लिक करते हैं, फीडबैक का मैसेज आ गया, टोटल स्कोर इज 6 out of 600%। अगर ये आपके टास्क करते हुए आंसर्स गलत भी हो जाएं, तो आप उन आंसर्स को याद करके दोबारा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, रिपीटिशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो बार बार कोशिश करने से आपको ये आ ही जाएगी। रीडिंग मॉड्यूल वेबसाइट से यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हम बार बार जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको टास्क करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगेन इस टेक्स्ट पे आएँ, इसको दोबारा से अच्छे से रीड करें, इसके की पॉइंट्स अपने माइंड में रखें, उसके बाद आप दोबारा प्रैक्टिस करें, तो आपकी टास्क जो है बहुत अच्छे से जाएगी और आपका रीडिंग मॉड्यूल जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ये सब करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड के लिए इन्होंने वर्कशीट भी दी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF की एक फ़ाइल है, वो आपके सामने आ जाएगी। इसको आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं और इसकी जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस भी जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो है आपको आंसर्स भी दिए गए हैं सारे। अब रीडिंग मॉड्यूल जो है वो नंबर 2 थोड़ा सा देख लेते हैं। रीडिंग मॉड्यूल नंबर 2 हमारे पास है, एक इश्तिहार है फॉर एग्जाम कैंडिडेट्स। सी मोर पर क्लिक करेंगे, अ पोस्टर फॉर एग्जाम कैंडिडेट्स, रीड द पोस्टर आउटसाइड एन एग्जाम रूम टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। अगेन यहाँ पर कह रहा है डू द प्रिपरेशन टास्क फर्स्ट, देन रीड द टैक्स एंड डू द एक्सरसाइज। आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है, इस प्लस पर क्लिक करना है। रीडिंग ए वन अ पोस्टर फॉर एग्जाम कैंडिडेट्स प्रिपरेशन, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं उनको आपको यहाँ पर जो है ना पुट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पेन की पिक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है प्लेस हो जाएगा। ये पेंसिल है, उसके बाद ये आईडी कार्ड है, तो इसको आईडी कहते हैं शॉर्ट में। वाटर बॉटल है, डिक्शनरी है, इसे आप बुक भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैग है, मोबाइल और नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन। यहाँ से आपने इसको पिक किया और यहाँ पर पुट कर दिया। नोट्स हैं। अब आप ये देखेंगे ब्रिटिश काउंसिल वाले जो हैं वो डिक्शनरी को डिक्शनरी नहीं कहते, वो बुक कहते हैं। यहाँ हम जो है फिनिश पर क्लिक करेंगे, फिर फीडबैक का जो हमारे पास एक मैसेज आएगा, टोटल स्कोर इज़ 8 out of 800%। ठीक है, तो हम इसे जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद ये रीडिंग टैक्स है। अब ये जो टैक्स है ना, इसके अंदर पोस्टर 1 आपको दिया गया, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि समझ लें कि आप इसे याद कर लें। पोस्टर 2 जो है इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये पोस्टर 3 जो है, ये 3 पोस्टर आपको जो है दिए गए हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपसे नीचे इसी हवाले से क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब तक आप ये 3ों पोस्टर्स अपने अच्छे से ना समझ लें और याद कर लें इंस्टेंटली, जब तक कि आप टास्क जो है वो ना परफॉर्म करें। ठीक है, यहाँ पर पहले फाइनल एग्जाम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डोर क्लोज 5 मिनट्स बिफोर द एग्जाम बिगिंस।
शो योर स्टूडेंट आई डी कार्ड टू एग्जामिनर वैन यू इंटर द रूम, नो फोन नो बुक। ये जो तीनों बातें इसने कही हैं, ये पोस्टर वन में कही हैं, आपको ये याद रखना है। पोस्टर टू के अंदर क्या बातें हैं, हैव योर आई डी कार्ड रेडी, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, अराइव 10 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम। ये बिफोर द एग्ज़ाम है पोस्टर टू में, और इन द एग्ज़ाम मोबाइल फोन स्विच ऑफ एंड पुट अवे, आई डी कार्ड विजिबल ऑन द डेस्क, नो टॉकिंग, नो फूड और ड्रिंक्स इन एग्ज़ाम रूम। ये इसने पोस्टर टू के अंदर ये 6 से 7 पॉइंट जो है ये इसने कहे हैं, ये आपको याद रखना है। पोस्टर थ्री के अंदर इसने कहा है, फॉलो द एग्जामिनर्स इंस्ट्रक्शन, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन रेज योर हैंड, नो मोबाइल फोन्स बुक्स और बैग्स इन द एग्ज़ाम, प्लीज़ यूज़ अ ब्लू एंड ब्लैक पेन। जब भी आपको अच्छे से याद हो जाए तो टास्क वन पर आप क्लिक करें, यहाँ लिखा आ जाएगा रीडिंग A1 अ पोस्टर फॉर एग्जाम कैंडिडेट 1, चूज़ ऑल द पोस्टर्स दैट से समथिंग अबाउट। बातों के बारे में कौन से पोस्टर के अंदर कहा गया था आप ऊपर देख भी सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप उसे इंस्टेंटली याद कर लें, अच्छे से रीड कर लें की पॉइंट्स को, उसके बाद ही आप टास्क करें। यहाँ टॉकिंग की बात नहीं की गई, यहाँ पर की गई है पोस्टर टू के अंदर। तो हम पोस्टर टू पे चेक लगा के इसको फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद आईडी कार्ड्स की बात किस में गई थी, मेरे ख्याल में पहले पोस्टर और पोस्टर टू में, दोनों में कही गई थी। नेक्स्ट करेंगे अराइविंग अर्ली, जल्दी पहुंचना, ये बात किस में कही गई थी, ये पोस्टर थ्री में शायद कही गई थी। फोन्स के बारे में शायद तीनों पोस्टर्स में कही गई थी, देख लेते हैं एक बार। नो मोबाइल फ़ोन, नो मोबाइल फ़ोन, और यहाँ पर भी तीनों पोस्टर्स में कही गई थी, तो तीनों पे चेक लगाएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे टाइप ऑफ पेन, ये पोस्टर थ्री में कही गई थी। बुक्स के बारे में शायद पहले और दूसरे पोस्टर में कहा गया था, उसके बाद हम फिनिश कर देंगे, ओके करेंगे। फीडबैक आया, टोटल स्कोर इज़ 9 out of 11, 82%। यहाँ गलती है, अराइविंग अर्ली जो है वो पोस्टर थ्री मैंने कर दिया था। ये एक पॉइंट बता रहे पोस्टर टू के अंदर, इसमें पोस्टर टू सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास टास्क टू है, इसको ओपन करते हैं। रीड A1 अ पोस्टर फॉर एग्जाम कैंडिडेट्स टू, चूज द सेंटेंस दैट हैज़ द सेम मीनिंग, नो टॉकिंग, इसका मतलब है यू कॉन्ट टॉक। नेक्स्ट आईडी कार्ड विजिबल ऑन द डेस्क, यू कैन सी द आईडी कार्ड, मोबाइल फोन स्विच ऑफ एंड पुट अवे, डोंट हैव योर मोबाइल फोन ऑन द टेबल, इट्स ओके टू हैव, ये आएगा डोंट हैव योर मोबाइल फोन ऑन द टेबल, डोर्स क्लोज 5 मिनट बिफोर द एग्जाम, यू मस्ट अराइव अर्ली, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। फिनिश पर क्लिक करेंगे, फीडबैक में हमें कह रहा है टोटल स्कोर इज 5 out of 5%। उसके बाद अगेन यहाँ पर जो है आपको वर्कशीट जो है वो डाउनलोड करने के लिए दे दी जाएगी, कि आप डाउनलोड करें इस बटन से, जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF रीडर आपके पास होना चाहिए, मोस्ट पॉपुलर जो रीडर है वो फॉक्सेट रीडर है, फाइल प्यूमा या फाइल हिपो वेबसाइट से आपको यह ईजिली मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पहले फॉक्सेट रीडर यानी पहले इसका PDF का रीडर डाउनलोड करें, उसके बाद इस बटन से इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें, और इसका फिर प्रिंट निकाल के आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।